हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन में कोरोना का कहर जारी है। चीन में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। चीन में अब तक 1523 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि अब जो धीरे धीरे मौत का आंकड़ा है उसमें कमी आ रही है। बीजिंग की तरफ से संक्रमित लोगों का जो डेटा आया है उसमें पहले के मुकाबले कमी आई है। हालांकि अब भी चीन में 66,492 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन कोरोना से मौतों का आंकड़ा जो है वो 1523 पहुंच चुका है। और देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपातकालीन प्रमुख माइकल रेयान ने सभी देशों से एकजुट होने की बात कही है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढने में जुटे हुए हैं और इसीलिए WHO की तरफ से बाकायदा एक अपील भी की गई है। The cases amongst health workers peaked in the third and fourth week of January, and there's been a rapid fall off in the number of cases that have occurred in health workers in the last 2 weeks. You know, I think people need to recognize that scientists collaborate regardless. They get on with it, and they've been collaborating, are collaborating, and will continue to collaborate. This is a very obviously a tense political environment because of the economic issues and because of everything else. Please, let our scientists get on. Let our public health professionals get on. तो माइकल रियान की अपील करते हुए सभी देशों के जो वैज्ञानिक है वो एक साथ आए और इस संकट की घड़ी का मुकाबला करें। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।